हेलो एवरीवन, मैं हेमा, हेमा की रसोई में स्वागत है आप सबका। दिल से देख रहे हैं आप क्या है ये? ये है खरबूजा, और खरबूजे का आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा शरबत, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको बहुत ही अच्छे से एनर्जी मिल जाए, है ना। तो मैंने ये सब खरबूजे के छोटे छोटे से क्यूब काट लिए हैं और इसको मैं मिक्सी में फटाफट से ग्राइंड कर लाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने खरबूजे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए मिक्सी में ग्राइंड हो गया है, ये देखिए। तो अभी तो ये बहुत थिक है ना, तो ऐसे तो हम शरबत नहीं पी पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको दूध को मिक्स कर देंगे। तो जितना हमारा ये खरबूजे का शेक है, उतना ही हम इसमें दूध मिला देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि हम बना रहे हैं तरबूज का, खरबूजे का शरबत, तो शरबत थोड़ा पतला ही अच्छा लगेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 से 5 चम्मच पाउडर शुगर डाल देंगे, 3-4, क्योंकि खरबूजा वैसे ऑलरेडी मीठा बहुत होता है, लेकिन हमने इसमें दूध ऐड किया है इसलिए। और हम इसमें कर रहे हैं कुछ, ये देखिए, ये काफी अच्छा है। अगर थोड़ा सा इसको और पतला करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ आइस क्यूब डाल देंगे, ये देखिए, जिससे कि ठंडा भी हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया। अगर आपको सर्दी खांसी का डर है तो आप इसमें बर्फ बिल्कुल ना डालिए, आइस बिल्कुल ना डालिए, तो आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन गिलासों को लेंगे, इसमें सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ आइस क्यूब, देखिए ना, और इसमें हम अपने शरबत को डाल देंगे। देखिए कितना टेस्टी और कितना बढ़िया सा कलर आया है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी क्रीम, ये देखिए, और हम डालेंगे इसमें थोड़े से खरबूजा, तरबूज के बीज, थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ा सा बादाम और पिस्ता, ये देखिए, इससे थोड़ा गार्निश करेंगे। और एक मैं लगा दूंगी इसमें खरबूजे का क्यूब, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक रोज पेटल भी डाल दें, तो ये बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है ना। तो मैं करती हूँ जल्दी से प्लेटिंग। आपने कितना इजी रेसिपी से मैंने खरबूजे का शरबत बनाया है, तो आप भी इसी तरीके से खरबूजे का शरबत बनाइए और अपने अनुभव मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर जरूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। कल हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, लेकिन उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक और कमेंट करना ना भूले हमेशा की तरह, और खरबूजे का एंजॉय कीजिए।